सीन। और फिर चलिए चलते हैं, आपको वो उस वाले का दिखाते हैं, तो उसको उस पर भी मना किया होगा इन्होंने, तो अभी जानते हैं और वहाँ पर भी दिखाते हैं आपको। सो गाइस, हम आए थे इस वाली जगह पर भी जो बड़ा वाला है टीला, तो यहाँ पर भी आए थे, तो आपको हम बाहर बाहर से दिखा दे रहे हैं। आपको शायद दिख रहा होगा कि ये चारों तरफ से मतलब बंद कर दिया गया है। ये यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी से पूछी थी कि आप ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो बोला था कि मतलब यहाँ पे जो ये सब है वो डैमेज हो रहा है, पूरा ये गिर रहा है, तो वो इसकी वजह से मतलब हम लोग ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं किसी को। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, ये है यहाँ पे गुफा जो पहले हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि मतलब आर पार है, यहाँ से आप सीधे उधर भी जा सकते हैं। और ये भूल भुलैया टाइप में बना हुआ है, अंदर एकदम ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया होगा। और यहाँ पर इसमें एक बार शेर भी आ गया था, तो ये एकदम जंगल टाइप में ही है, और जंगल ही है, तो ये बीच में ही बना हुआ है जंगल के। तो आप बाहर बाहर से देख सकते हैं यार, मैं अंदर जा नहीं सकता। आज के मतलब बता रहे हैं 10-12 साल पहले ये एकदम ओपन था, तो यहाँ पर बहुत कांड हो गए थे, मतलब लोग यहाँ पर गुम हो गए थे, तो वो दोबारा मिले ही नहीं। तो इसके बाद में यहाँ पर पूरा ये सेफ्टी कर दिया गया, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी रखी गई कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। तो आप देख सकते हैं यार, बहुत ही मस्त लग रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, बट सिक्योरिटी है यार, वो जाने नहीं देगी। ये देखिए गाइस, ऐसे पूरा बना हुआ है। तो मैं आपको चारों तरफ से दिखा दूं। वैसे यार धूप बहुत तेज निकल आई है, आप मौसम देख सकते हैं, और सूरज मेरे ऊपर ही है, तो मैं क्या ही बताऊं, अभी बहुत ही तेज धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं यार। तो भाई इतना तो आपके लिए करना ही पड़ेगा कि मैं आप तक वीडियो तो पहुंचा ही दूं, जो मेरे उधर बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। ये देखिए गाइस, पूरा इधर जंगल ही है, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी टाइट की गई है। और वैसे आज तो भी कोई घूमने नहीं आया है, बस हमारे अलावा, तो इसलिए मुझे ऊपर नहीं जाने दिया है सिक्योरिटी ने। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, इधर से भी अभी एक अंदर गेट लगा हुआ है, लेकिन ये गेट खुला हुआ है, बट इसी में शेर आ गया था एक बार, और काफ़ी लोग यहाँ से गुम हो गए थे। ये भूल भुलैया टाइप में अंदर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं और आपको मिलते हैं आगे। सो गाइस, मैंने पैदल ही पूरा भ्रमण किया यार, और क्या ही बताएं, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया अभी चलते चलते चारों तरफ इसके। और आप देख सकते हैं यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था यार यहाँ पर जाने के लिए, बट सिक्योरिटी ने बोला है कि नहीं जाना है अंदर, और ये पूरा डैमेज हो रखा है, तो अभी ये गिर रहा है, मतलब नीचे धीरे 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 वो गिर रहा है। तो अभी आप मेरे पीछे आप कुआँ देख सकते हैं, ये कुआँ है यहाँ का, ये कुआँ है यहाँ का, और इसको ऊपर से गाइड कर दिया गया है पूरी तरह पत्थरों से, और ऊपर जाली है, इस पर भी मना है, मतलब नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते यार, और बाहर से ही देखना है। ये देखिए यार, मेरा तो यार मन बहुत ही ज़्यादा यार लालच में आ गया था, मैं सोच रहा था कि मैं पीछे से ऊपर चला जाऊं, बट जो भी बोल रहे हैं अच्छे के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है कोई हादसा हो जाए, तो इसी की वजह से हमने सोचा कि ठीक है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। सो फाइनली गाइस, हम अभी बाहर निकल आए हैं, और अभी हम चलते हैं वहाँ पर गौतम बुद्ध जी की, जहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ी मूर्ति है, तो अभी हम जा रहे हैं गौतम बुद्ध जी की मूर्ति देखने के लिए। शायद वो भी बाहर से बंद ही होगा, तो हम बाहर से ही आपको दिखाएंगे। सो फाइनली गाइस, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और बाय बाय बोल रहे हैं इसको, बाय 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 बाय। तो आप इधर भी देख सकते हैं, ये छोटा वाला था, तो अभी हम जा रहे हैं गौतम बुद्ध जी की मूर्ति देखने के लिए। मज़ा तो आया यार, बट इतना मज़ा नहीं आया जितना मैंने सोच के आया था, और टूरिस्ट नहीं आए थे। और अभी हम चलते हैं यहाँ पर, जहाँ की कहानी कुछ एक उंगलीमाल डाकू पर है, जो कि ये उसकी गुफा हुआ करती थी, और उंगलीमाल डाकू वहाँ पर बैठा करता था। आपको दिखाते हैं हम,
वहां पर, ये देखिए गाइस वहां ऊपर, तो अभी यहां पर भी बाहर से ही बंद है सब। अभी यार इतनी सिक्योरिटी टाइट की गई है कि मतलब यहां पर कोई आ जा नहीं सकता है अंदर। अभी हम यहां से लेंगे राइट और जाएंगे फिर मूर्ति देखने के लिए, जो कि आप रोड देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा जंग लड़ी हुई है, इसीलिए रोड इतनी ख़राब है। ये देखो गाइस क्या लग रहा है यार, बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये भी लमसम बंद ही है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को यार, सब जो देखो वो बंद करके रखे हैं, जो देखो वो बंद करके। हो सकता है टूरिस्ट ना आते हो या कोई और मैटर हो। ये देखो गाइस क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर लिखा है बंद कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए असुविधा देने के लिए हमें खेद है। तो ये कोरोना वायरस की वजह से बंद हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है यार अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ यार बाहर से ही। सो गाइस आप देख सकते हैं, पहले तो व्यू देखिए यार कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, और पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर किया गया है। ये पूरी दिक्कत है जो यहाँ पर कुछ भी नहीं है आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके चारों तरफ दिखा दूँ, ऐसे पूरा बाग लगा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद फाइनली टाइम आया है अभी मूर्ति देखने का, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस इतनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है, और ये इतना बड़ा शिवाला बना हुआ है यहाँ पे, जो कि ये पूरा मिक्स धातु का है, जो काफ़ी सुंदर है यार, बहुत ही मस्त लगता है। यहाँ पर मैं अंदर एक बार गया हूँ, बट यहाँ पर कोरोना की वजह से अभी ये पूरा बंद हो रखा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जो कुछ इस भाषा में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता ये कौन सी भाषा है जो ऊपर लिखा हुआ है, बट नीचे वाला तो हिंदी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही मस्त है। तो गाइस मैं आया था यहाँ पर घूमने के लिए, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह की तारीफ क्या ही की जाए, जितना की जाए वो कम है यार, क्योंकि ये गौतम बुद्ध जी की सरजमी है, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को मतलब शक्तियाँ प्रदान हुई थी, यहाँ पर उन्होंने शक्ति पाई थी। तो अभी चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये है गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, जो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बनी हुई है। और ये बगल में इनका शिवाला है, जो कि यहाँ पर मिक्स धातु का है ये दोनों चीज़ें, ये कोई गेस नहीं कर पा रहा कि इस किस चीज़ का बना हुआ है। तो मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा दूँ, इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से है। ये कोरोना की वजह से भी बंद है, तो अभी मैं आया था यहाँ पर घूमने के लिए, तो मैं सोचा आपको भी दिखाया जाए। यहाँ पर घूमने के बाद मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी पार्क में घूमने के लिए। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी घूमा यार, और कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर पूरा बंद हो रखा है कोरोना की वजह से भी, पूरा यहाँ पर क्लोज है, पूरा बंद है। तो अभी मैं अंदर भी नहीं जा पाया हूँ, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यार बहुत ही मस्त लग रहा था। तो मैं सोच रहा था यार कि मुझे जाने का मौका मिले, बट यहाँ पर पूरा बंद है, तो अभी नहीं जा सकते हम अंदर, तो अभी चल रहे हैं हम पार्क घूमने के लिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पार्क में। सो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, और अभी हम जा रहे हैं पार्क घूमने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या सीन है, कैसा है। दो जगह से तो मैं निराश हो गया यार, क्योंकि मैं बाहर बाहर ही घूमा हूँ, और उसके बाद भी पार्क में क्या सीन रहता है। तो अभी मैं देखता हूँ वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है यार। शायद मुझे लग रहा है कि पार्क में जाना पॉसिबल है, क्योंकि पार्क ओपन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर पता नहीं क्यों यार कोरोना की वजह से पूरा बंद हो रखा है, और वहाँ तो डैमेज की वजह से पूरा बंद हो रखा है। तो फिर यार क्या ही सीन है यार, क्या ही बताए। बाहर से आदमी कब तक देखेगा, क्या देखेगा बाहर से। अभी अंदर जाना मिलता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता, तो मैं अंदर भी नहीं जा पाया यार, क्योंकि पूरा बंद ही है, आप जानते ही हैं। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ पार्क घूमने के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या सीन है अभी देखते हैं। तो यहाँ पर भी बाइक पार्क करते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या सीन है। तो मैंने बाइक अपनी यहाँ पर पार्क की है, और मैं भी जाऊँगा, अभी लेना पड़ेगा यार टिकट, तो अभी जा रहा हूँ मैं टिकट लेने के लिए। सो फाइनली गाइस मैंने
टिकट ले लिया है, 2 टिकट, और मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं भी अंदर आ चुका हूँ और अभी मैं देखूंगा अंदर क्या सीन रहता है यार यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, तो अभी कितना खूबसूरत है यार, मैं भी अंदर घूम रहा हूँ तो यार बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर है। और सबसे ज़्यादा सुंदर क्या है मैं आपको वो दिखा दूँ सबसे पहले।